यूरोकिन ने कितने प्रकार के संस्कृतियों की चर्चा की है? ए नंबर कौन नंबर में दोस्तों, 1, कौन नंबर 2, गौ नंबर 3 और गौ नंबर 4। सही आंसर दोस्तों गौ नंबर 2। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं या किसका कथन है? ए नंबर में फेयरचाइल्ड, गौ नंबर MS A Rao, गौ नंबर MN श्रीनिवास और गौ नंबर EF Burgess। सही आंसर दोस्तों गौ नंबर EF Burgess। अगला प्रश्न है, हार्थन परीक्षण किसने संपादित किया था? गौ नंबर में मिलर, गौ नंबर एल्टन माई, गौ नंबर पार्कर और गौ नंबर ब्राउन। सही आंसर दोस्तों गौ नंबर मिलर ने। अगला प्रश्न है, किसने राजनीति को शक्ति का विज्ञान कहा है? गौ नंबर कैटलिन, गौ नंबर मैक्स वेबर, गौ नंबर सोरोकिन और गौ नंबर लिप्सिट। सही आंसर दोस्तों गौ नंबर सोरोकिन ने। अगला प्रश्न है, कब वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई? गौ नंबर में 1999, गौ नंबर 1998, गौ नंबर 1997, गौ नंबर 2000। सही आंसर दोस्तों गौ नंबर 2000। इसमें अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा वैवाहिक संबंधों की स्थापना में धर्म तथा जाति के मुद्दों को वैधानिक तौर पर समाप्त किया गया? कौन नंबर में सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829, कौन नंबर हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम 1856, गौ नंबर हिंदू स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम 1937 और गौ नंबर विशेष विवाह अधिनियम 1954। सही आंसर दोस्तों गौ नंबर विशेष विवाह अधिनियम 1954। अगला प्रश्न है, निम्न में किन्होंने संघर्ष के पराक्रमों का वर्णन किया है? कौन नंबर में है गोफमैन और कौन नंबर डेरेंडर्फ और कौन नंबर क्वेजर कौन नंबर मार्स। आंसर दोस्तों कौन नंबर मार्स ने। अगला प्रश्न है, निम्न विशेषताओं में से किसका संबंध जनजातीय अर्थव्यवस्था से नहीं है? कौन नंबर मुनाफाखोरी, कौन नंबर वस्तु विनियम, कौन नंबर जीवन निर्वाह और गौ नंबर श्रम विभाजन। सही आंसर दोस्तों कौन नंबर मुनाफाखोरी में। अगला प्रश्न है, सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या है लगभग कितना है? गौ नंबर में 56%, गौ नंबर 65%, गौ नंबर 62% और गौ नंबर 80%। सही आंसर दोस्तों गौ नंबर 62%। अगला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? तो कौन नंबर में 1999 ईस्वी में, कौन नंबर 2000 और कौन नंबर 2001, कौन नंबर 2002 ईस्वी में। सही आंसर दोस्तों कौन नंबर 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दोस्तों भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों की अधिकृत अनुसूची कब घोषित की गई? कौन नंबर सन 1955, कौन नंबर सन 1950, कौन नंबर सन 1935, कौन नंबर सन 1952 में। सही आंसर दोस्तों कौन नंबर सन 1955 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता कौन है? कौन नंबर सामाजिक गतिशीलता, कौन नंबर बड़ा आकार, कौन नंबर स्त्रियों की उच्च परिस्थिति, कौन नंबर कृषि पर आधारित। सही आंसर दोस्तों गौ नंबर कृषि पर आधारित। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? कौन नंबर छत्तीसगढ़, कौन नंबर राजस्थान, कौन नंबर बिहार और कौन नंबर उड़ीसा। सही आंसर दोस्तों कौन नंबर छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? कौन नंबर बिहार, कौन नंबर उत्तर प्रदेश, कौन नंबर महाराष्ट्र, कौन नंबर राजस्थान। सही आंसर दोस्तों कौन नंबर राजस्थान में। अगला प्रश्न है,
गांव एक लघु गणराज्य है, किसने कहा? कौन नंबर? मेटकॉफ, कौन नंबर? ए आर देसाई, कौन नंबर? कार्ल मार्क्स, और कौन नंबर? महात्मा गांधी। सही आंसर दोस्तों कौन नंबर? मेटकॉफ का ये कथन है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति को पहले किस नाम से पुकारा जाता था? कौन नंबर? आदिवासी, घ नंबर? जंगली जाति, घ नंबर? वन जाति, और घ नंबर? उपयुक्त सभी। सेंसर दोस्तों घ नंबर, उपयुक्त सभी, सभी नामों से। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नांकित अल्पसंख्यक समूह में से जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा कौन है? घ नंबर ईसाई, घ नंबर सिख, घ नंबर बौद्ध, घ नंबर जैन। सेंसर दोस्तों घ नंबर सिख। अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? कौन नंबर? 8.08%, कौन नंबर? 10.8%, और कौन नंबर? 12.8%, कौन नंबर? 14.8%। सही आंसर दोस्तों कौन नंबर? 8.8%। अगला प्रश्न है, स्वस्फूर्त जन आक्रोश को क्या कहा जाता है? कौन नंबर? सामाजिक आंदोलन कहा जाता है, कौन नंबर? सामाजिक आंदोलन नहीं कहा जाता है, कौन नंबर? परिस्थिति विशेष में सामाजिक आंदोलन कहा जाता है, और कौन नंबर? उपरोक्त कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों कौन नंबर? परिस्थिति विशेष में सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक आंदोलन का उदाहरण है? कौन नंबर? भारत में स्वतंत्रता आंदोलन, कौन नंबर? झारखंड आंदोलन, कौन नंबर? दोनों, और कौन नंबर? इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर दोस्तों कौन नंबर? दोनों, यानी भारत में स्वतंत्रता आंदोलन और कौन नंबर? झारखंड आंदोलन। अगला प्रश्न है, मुस्लिम समाज में व्यापक पैमाने पर सुधार आंदोलन कार्य किसने किया? कौन नंबर? मौलाना अबुल कलाम आजाद, कौन नंबर? डॉक्टर जाकिर हुसैन, कौन नंबर? सैयद अहमद खान, और कौन नंबर? APJ अब्दुल कलाम। सही आंसर दोस्तों कौन नंबर? सैयद अहमद खान। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुस्लिम समाज में व्यापक पैमाने पर यह सवाल हो चुका है दोस्तों। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के लिए खतरनाक है, क्या खतरनाक है? कौन नंबर में है? सांप्रदायिकता, कौन नंबर? क्षेत्रीयता, कौन नंबर? जातीयता, और कौन नंबर? सभी। सेंसर दोस्तों कौन नंबर? सभी। अगला प्रश्न है, कृषि के लिए कौन परिवार अनुकूल है? कौन नंबर? एकल परिवार, कौन नंबर? संयुक्त परिवार, कौन नंबर? विस्तारित परिवार, और कौन नंबर? उपरोक्त सभी। सेंसर दोस्तों कौन नंबर? संयुक्त परिवार, यानी बड़ा परिवार। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का साल क्या है? किस साल यह स्थापना की गई? कौन नंबर? 1857, कौन नंबर? 1905, कौन नंबर? 1869, और कौन नंबर? 1885। सही आंसर दोस्तों कौन नंबर? 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, साप्ताहिक बाजार कौन है? कौन नंबर? जो सप्ताह में दो बार लगता है, कौन नंबर? सप्ताह में एक बार, कौन नंबर? प्रतिदिन लगता है, और कौन नंबर? सप्ताह में तीन बार लगता है। सही आंसर दोस्तों कौन नंबर? सप्ताह में जो एक बार लगता है उसे साप्ताहिक बाजार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के लोग मुख्य रूप से आश्रित है, किस पर आश्रित है? कौन नंबर? नौकरी पर, कौन नंबर? कृषि पर, कौन नंबर? व्यवसाय पर, और कौन नंबर? उद्योग पर। सही आंसर दोस्तों कौन नंबर? कृषि पर। अगला प्रश्न है, जाति व्यवस्था एक क्या क्या है? कौन नंबर? बंद व्यवस्था है, कौन नंबर? खुली व्यवस्था है, कौन नंबर? भीड़ व्यवहार, और कौन नंबर? वर्ण व्यवस्था। सही आंसर दोस्तों कौन नंबर? बंद व्यवस्था है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्त्री पुरुष अनुपात किस राज्य में सबसे कम है? ये सवाल है दोस्तों, तो कौन नंबर में है? बिहार, कौन नंबर? पश्चिम बंगाल, कौन नंबर? उड़ीसा, और कौन नंबर? तमिलनाडु। सही आंसर दोस्तों कौन नंबर? हमारे बिहार में, बिहार। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों की अधिकृत अनुसूचित कब घोषित की गई?
ये सवाल है दोस्तों, कौन नंबर में है? सन 1955, घो नंबर सन 1950, घो नंबर सन 1935 और घो नंबर सन 1952। सही आंसर दोस्तों घो नंबर सन 1950 में। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित प्रजातीय सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन सा विद्वान है? घो नंबर में दोस्तों हट्टन, घो नंबर रिजले और घो नंबर नेसफील्ड और घो नंबर श्रीनिवास। सही आंसर दोस्तों इसका घो नंबर रिजले। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि जाति एक गतिहीन वर्ग है? ए नंबर में है दोस्तों मजुमदार, बी नंबर घुरिए, सी नंबर केतकर और डी नंबर फूले। सही आंसर दोस्तों को नंबर मजुमदार। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पिछड़ी जाति आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ? कौन नंबर में बिहार, कौन नंबर पश्चिम बंगाल, कौन नंबर आंध्र प्रदेश और कौन नंबर तमिलनाडु। इसका सही आंसर दोस्तों कौन नंबर बिहार में। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन संबंधित है, किस जाति से संबंधित है? इन नंबर में है पिछड़ी जाति से, घो नंबर दलित से, घो नंबर जनजाति से और घो नंबर इनमें से सभी। सही आंसर दोस्तों घो नंबर जनजाति से, घो नंबर। अगला प्रश्न है, पत्नी के भाई की पत्नी नातेदारी के किस श्रेणी में आती है? इन नंबर में प्राथमिक नातेदारी, घो नंबर द्वितीय नातेदारी, घो नंबर तृतीय नातेदारी और घो नंबर उपरोक्त कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों घो नंबर तृतीय नातेदारी। अगला प्रश्न है, भील नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है? घो नंबर राजस्थान, घो नंबर बिहार, घो नंबर पश्चिम बंगाल और घो नंबर मध्य प्रदेश। सही आंसर दोस्तों घो नंबर राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस राज्य में हिंदू लोग अल्पसंख्यक समुदाय है? घो नंबर केरल, घो नंबर पंजाब, घो नंबर जम्मू एवं कश्मीर और घो नंबर हरियाणा। सही आंसर दोस्तों घो नंबर जम्मू एवं कश्मीर में। अगला प्रश्न है, जातीय पूर्वग्रह, जातीय पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है? कौन नंबर में है जाति वर्गीकरण, कौन नंबर किसी जाति में प्रवेश पाने के लिए किया गया प्रयास और कौन नंबर जाति संघर्ष, कौन नंबर किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा। सही आंसर दोस्तों कौन नंबर किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किनको आप नारी स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ते हैं? घो नंबर में इंदिरा गांधी, घो नंबर मदरा टेरेसा और घो नंबर सरोजिनी नायडू, घो नंबर इनमें से सभी। सही आंसर दोस्तों घो नंबर सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, निम्न समूहों में से किसे आप भारत के सबसे छोटे धार्मिक अल्पसंख्यक संप्रदाय मानते हैं? घो नंबर मुस्लिम, घो नंबर ईसाई, घो नंबर सिख, घो नंबर पारसी। सही आंसर दोस्तों घो नंबर पारसी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जाति व्यवस्था एक मौलिक विशेषता नहीं है? घो नंबर समाज का खंडतात्मक विभाजन, घो नंबर संसतरण, घो नंबर सामाजिक गतिशीलता और घो नंबर अंत विरवा। सही आंसर दोस्तों घो नंबर सामाजिक गतिशीलता। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? एन नंबर विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व, घो नंबर अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा, घो नंबर राज्य का सपना कोई धर्म न हो और घो नंबर इनमें से सभी। सही आंसर दोस्तों घो नंबर विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन जनजातीय आंदोलन है? घो नंबर ताना भगत आंदोलन, घो नंबर तेलंगाना आंदोलन, घो नंबर चिपको आंदोलन और घो नंबर नर्मदा आंदोलन। सही आंसर दोस्तों घो नंबर ताना भगत आंदोलन। अगला प्रश्न है, एम एन श्रीनिवास द्वारा कौन सा सिद्धांत
प्रतिपादित किया गया, कौन नंबर भस्मीकरण, कौन नंबर आधुनिकीकरण, कौन नंबर प्रत्यक्षवाद और कौन नंबर आदर्श प्रारूप संस्कृत, कौन नंबर भस्मीकरण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कारण भारत में जनसंख्या विस्फोट के उत्तरदायी हैं, कौन नंबर में है निरक्षरता, कौन नंबर आधुनिकीकरण, कौन नंबर औद्योगिकीकरण और कौन नंबर एकल परिवार, संस्कृत कौन नंबर निरक्षरता। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जनजाति की विशेषता है, कौन नंबर सामान्य भूभाग, कौन नंबर सामान्य भाषा और कौन नंबर सामान्य संस्कृति, कौन नंबर इनमें से सभी, संस्कृत तो कौन नंबर इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक समस्या है, कौन नंबर प्रेम विवाह, कौन नंबर नगरीकरण, कौन नंबर विवक्षा वृत्ति और कौन नंबर आधुनिकीकरण, संस्कृत कौन नंबर विवक्षा वृत्ति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नातेदारी में स्पष्ट रूप से नहीं आती है, कौन नंबर में है वंश परंपरा, कौन नंबर विवाह जन्म संबंध, कौन नंबर परिस्थिति और कौन नंबर समपक्ष समूह, सेंसर दोस्त कौन नंबर परिस्थिति। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के किस काल को भारतीय स्त्री जाति का कालायुग कहा जाता है, कौन नंबर में है ऋग्वैदिक काल, कौन नंबर उत्तर वैदिक काल, कौन नंबर ब्रिटिश काल और कौन नंबर मध्यकाल, सेंसर दोस्तों कौन नंबर मध्यकाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी दशा उदारीकरण का परिणाम नहीं है, ए नंबर कौन नंबर में है उपभोक्तावाद, कौन नंबर बेरोजगारी, गो नंबर ग्रामीण उद्योगों का विघटन, गो नंबर संयुक्त परिवार का विघटन उत्तर, सेंसर दोस्तों गो नंबर संयुक्त परिवार का विघटन। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष की, गो नंबर में है 1978, गो नंबर 1962, गो नंबर 1999 और गो नंबर 1998, सेंसर दोस्तों गो नंबर 1978 में। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज में सबसे प्रमुख इकाई कौन है, कौन नंबर मुखिया, कौन नंबर सरपंच, कौन नंबर ग्राम सभा, कौन नंबर ग्राम सेवक, सेंसर स्तर कौन नंबर सरपंच। अगला प्रश्न है, किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था, कौन नंबर 2002, कौन नंबर 2001, कौन नंबर 2012, कौन नंबर 2005, सेंसर स्तर कौन नंबर 2001 में। अगला प्रश्न है, एक विवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, कौन नंबर डार्विन, कौन नंबर मिस्टर मार्क, कौन नंबर बेकोफन और कौन नंबर टाइलर, सेंसर स्तर कौन नंबर मिस्टर मार्क। अगला प्रश्न है, घूमकरिया विवाह गृह किस जनजाति में पाया जाता है, कौन नंबर नागा, कौन नंबर उराव, कौन नंबर मुंडा, कौन नंबर संथाल, सेंसर स्तर कौन नंबर उराव। अगला प्रश्न है, धर्म के सामाजिक सिद्धांत से जुड़े हैं, कौन नंबर फ्रेजर, कौन नंबर दुर्किन, कौन नंबर टाइलर, कौन नंबर मैक्समिनर, सेंसर दोस्तों कौन नंबर फ्रेजर। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जिस विवाह में एक उच्च जाति की स्त्री निम्न जाति के पुरुष से विवाह करती है उसको उसे क्या कहा जाता है, कौन नंबर बही विवाह, कौन नंबर प्रतिलोम विवाह, कौन नंबर अनुलोम विवाह और कौन नंबर अंत विवाह, सेंसर दोस्तों कौन नंबर प्रतिलोम विवाह। अगला प्रश्न है, निम्न धर्मों में से कौन एक ईश्वराभिमुखी नहीं है, कौन नंबर में हिंदू धर्म, कौन नंबर ईसाई धर्म, कौन नंबर बौद्ध धर्म और कौन नंबर इस्लाम धर्म, सेंसर दोस्तों कौन नंबर बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, निम्न में से नातेदारी की सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी है, कौन नंबर वंशावली संबंधों की सामाजिक
मान्यता तथा अभिव्यक्ति, और नंबर सामाजिक मान्यता प्राप्त संबंध, घो नंबर सांस्कृतिक अनुकूलित संबंधों की मान्यता, और घो नंबर संबंधों का समूह नंबर वंशावली संबंधों की सामाजिक मान्यता तथा अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारत में अंत अंतर जातीय विवाह के विधायी प्रावधान प्रथम किसमें किए गए। और फिर प्रश्न को दोहराते हैं, भारत में अंतर जातीय विवाह के विधायी प्रावधान प्रथम किसमें किए गए। फोन नंबर में दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम 1995, फोन नंबर विशेष विवाह अधिनियम 1872, गो नंबर हिंदू कोड बिल 1956, गो नंबर गेंस ऑफ लर्निंग एक्ट 1930 में दोस्तों, फोन नंबर विशेष विवाह अधिनियम 1872 में। ऐसे कौन परिवार की विशेषता है, फोन नंबर में है सार्वभौमिकता, और खो नंबर सीमित आकार, घो नंबर भावनात्मक आधार, और डी नंबर इनमें से सभी। सही आंसर दोस्तों घो नंबर इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है। तीन नंबर में है, खो नंबर में है संथाल, खो नंबर टोडा, घो नंबर मुंडा, घो नंबर खस। सही आंसर दोस्तों खो नंबर टोडा में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है। फोन नंबर सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि, फोन नंबर सामान्य जाति पृष्ठभूमि, गो नंबर सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि, और गो नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों गो नंबर सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है। गो नंबर अनेकता में एकता, गो नंबर संस्कारों द्वारा समाजीकरण, गो नंबर गुरु सार्थ, और डी नंबर इनमें से सभी। सही आंसर दोस्तों गो नंबर इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। नंबर कौन नंबर में 1961, कौन नंबर 1948, गो नंबर 1951, और गो नंबर 1955। सही आंसर दोस्तों गो नंबर 1951 में। अगला प्रश्न है, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। कौन नंबर जतरा भगत, बी नंबर बिरसा मुंडा, घो नंबर सिधो कान्हो, और डी नंबर घो नंबर करिया मुंडा। सही आंसर दोस्तों घो नंबर बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है। घो नंबर वृक्षों की रक्षा से, घो नंबर जल की रक्षा से, घो नंबर पशुओं की रक्षा से, घो नंबर खनिजों की रक्षा से। सही आंसर दोस्तों घो नंबर वृक्षों की रक्षा से। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है, क्या था। क नंबर में ग्रामीण उद्योगों का विकास, क नंबर ग्रामीण बेरोजगारों का रोजगार, और घ नंबर कृषि उत्पादन में वृद्धि, और घ नंबर गांव का सर्वांगीण विकास। सेंसर दोस्तों घ नंबर गांव का सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है, किसने कहा नगरीयता एक जीवन पद्धति है। घो नंबर रॉस, घो नंबर बर्गल, घो नंबर बिर्थ, घो नंबर कारपेंटर। सही आंसर दोस्तों घो नंबर बर्गल ने। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है, यानी आप क्या समझते हैं। घो नंबर समाजवाद, घो नंबर मनुष्य का उदार होना, घो नंबर काफी उन्नति होना, घो नंबर मुक्त बाजार व्यवस्था। सही आंसर दोस्तों घो नंबर मुक्त बाजार व्यवस्था। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध है, किससे संबंधित है। किस आंदोलन से, घो नंबर साम्यवादी आंदोलन से, घो नंबर किसान आंदोलन से, और घो नंबर मजदूर आंदोलन से, घो नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों घो नंबर किसान आंदोलन से। अगला प्रश्न है, सीटू किस राजनीतिक दल से जुड़ा है। घो नंबर कांग्रेस, घो नंबर बीजेपी, घो नंबर सीपीएम, और घो नंबर सीपीआई। सही आंसर दोस्तों घो नंबर सीपीएम से। अगला प्रश्न है, कौन सा आदिवासी समाज मातृ प्रधान है। घो नंबर संथाल, घो
घ नंबर मुंडा, घ नंबर गारो और घ नंबर इनमें से कोई नहीं। सेंसरस्थ घ नंबर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान आंदोलन के पर नेता कौन थे? घ नंबर कर्पूरी ठाकुर, घ नंबर राम मनोहर लोहिया, घ नंबर रामस्वामी नायकर और घ नंबर कांशीराम। सेंसरस्थ घ नंबर रामास्वामी नायकर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्याओं से जुड़ा है, जुड़ा हुआ है? कौन नंबर में है दलित आंदोलन, कौन नंबर आदिवासी आंदोलन, गौ नंबर चिपको आंदोलन और गौ नंबर पिछड़ी जाति आंदोलन। से दोस्तों गौ नंबर चिपको आंदोलन से। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में जनाधिक का मूल कारण क्या है? तो कौन नंबर में है दोस्तों पर्यावरण, कौन नंबर प्रजनन शक्ति, गौ नंबर सामाजिक सांस्कृतिक कारक और गौ नंबर इनमें से कोई नहीं। सेंसर दोस्तों गौ नंबर सामाजिक सांस्कृतिक कारक। अगला प्रश्न है, भारत में नारीवादी आंदोलन के पुरोधा के रूप में किनकी पहचान है? गौ नंबर सुचेता कृपलानी, गौ नंबर सरोजिनी नायडू, गौ नंबर इंदिरा गांधी और गौ नंबर कमला नेहरू। सेंसर दोस्तों गौ नंबर सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है? नंबर अनुच्छेद 14, घ नंबर अनुच्छेद 17, घ नंबर अनुच्छेद 25 और घ नंबर अनुच्छेद 27। सेंसर दोस्तों घ नंबर अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जनजातीय समाज की समस्या नहीं है? घ नंबर भूमि बिलगांव, घ नंबर छुआछूत, घ नंबर और खो दोनों और घ नंबर इनमें से कोई नहीं। सेंसर दोस्तों घ नंबर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का उत्प्रेरक कौन है? घ नंबर नदियां, घ नंबर संकरित बीज और घ नंबर उपजाऊ जमीन और घ नंबर वर्षा। सेंसर दोस्तों घ नंबर संकरित बीज। अगला प्रश्न है, किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है? घ नंबर मार्स, घ नंबर पार्सन्स, घ नंबर रॉबर्ट ई पार्क और घ नंबर जॉनसन। सेंसर दोस्तों घ नंबर रॉबर्ट ई पार्क। अगला प्रश्न है, घुमकुरिया किस जनजाति में पाया जाता है? घ नंबर मुंडा, घ नंबर संथाल, घ नंबर उराव, घ नंबर हो। सेंसर दोस्तों घ नंबर उराव। अगला प्रश्न है, जाति व्यवस्था का व्यवस्थात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? घ नंबर रिजले, घ नंबर घुरिये, घ नंबर नेसफील्ड और घ नंबर मार्स। सेंसर दोस्तों घ नंबर नेसफील्ड। अगला प्रश्न है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? घ नंबर श्रीनिवास, घ नंबर घुरिये, घ नंबर कॉम और घ नंबर योगेंद्र सिंह। सेंसर दोस्तों घ नंबर श्रीनिवास। अगला प्रश्न है, पूर्ण जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? घ नंबर हिंदू धर्म से, घ नंबर इस्लाम, घ नंबर ईसाई धर्म से और घ नंबर इनमें से सभी। सेंसर दोस्तों घ नंबर हिंदू धर्म से। अगला प्रश्न है, महर का संबंध किस विवाह से है? घ नंबर मुस्लिम, घ नंबर हिंदू, घ नंबर सिख और घ नंबर इनमें से सभी। सेंसर दोस्तों घ नंबर इस्लाम धर्म से। अगला प्रश्न है, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति संबंधी देवत्व का सिद्धांत किस वेद में वर्णित है? घ नंबर में अर्थवेद, घ नंबर सामवेद, घ नंबर ऋग्वेद और घ नंबर यजुर्वेद। सेंसर दोस्तों घ नंबर ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, ग्रामीण एवं नगरीय समाज को पृथक करने का आधार है, क्या आधार है? घ नंबर जनसंख्या का आकार, घ नंबर उपभोग की प्रकृति, घ नंबर व्यवसाय की प्रकृति, घ नंबर सामाजिक संबंधों की प्रकृति। सेंसर दोस्तों घ नंबर सामाजिक संबंधों की प्रकृति। अगला प्रश्न है, क्षेत्रवाद की समस्या का मूल कारण क्या है? घ नंबर सांस्कृतिक भिन्नता, घ नंबर आर्थिक भिन्नता, घ नंबर जैविकीय भिन्नता,
और घ नंबर नैतिक भिन्नता, सेंसर दोस्तों घ नंबर सांस्कृतिक भिन्नता। अगला प्रश्न है, जनजातीय समाजों में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? घ नंबर श्रम विभाजन, घ नंबर युवा गृह, घ नंबर महिला की आज़ादी और घ नंबर सरल अर्थव्यवस्था, सेंसर दोस्तों घ नंबर सरल अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, बाजार क्या है? घ नंबर एक संस्था, घ नंबर एक सामाजिक समूह, घ नंबर एक समुदाय और घ नंबर इनमें से कोई नहीं, सेंसर दोस्तों घ नंबर एक संस्था। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, किसके विचार से राजनीतिक वर्ग सत्ता में बने रहने के लिए राजनीतिक फार्मूला का प्रयोग करते हैं? क नंबर में है वेबर, ख नंबर मिल्स और घ नंबर मोस्का और घ नंबर पेरेटो, सेंसर दोस्तों घ नंबर पेरेटो।